आधुनिक मेडिकली सुविधाओं से लैस मां नर्मदा अस्पताल के द्वारा रविवार को अपना स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर मां नर्मदा अस्पताल के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, तो दूसरी ओर मां नर्मदा अस्पताल ने ग्रामीण अंचलों के नागरिकों के मध्य पहुंचकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाली आशा ऊषा कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सुदेश राय, विशेष अतिथि के रूप में पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष सीताराम यादव, वरिष्ठ भाजपा नेता राजकुमार गुप्ता, राजेश राठौर सम्मिलित हुए। अतिथियों की अगवानी करते हुए डायरेक्टर मां नर्मदा हॉस्पिटल समाज सेवी ज्ञान सिंह बघेला के द्वारा पुष्प मालाओं और गुलदस्तों से अतिथियों का स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि विशेष अतिथि साथ मंडल अध्यक्ष राम स्वरूप मेवाड़ा, विष्णु वर्मा, लक्ष्मण सिंह सरपंच, लखन सिंह राजपूत के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। विधायक सुरेश राय ने अपने उद्बोधन में मां नर्मदा अस्पताल के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में नागरिकों को दी जा रही सुविधाओं को लेकर प्रशंसा की। उन्होंने मां नर्मदा अस्पताल के डायरेक्टर और पूरे स्टाफ को वर्षगांठ की बधाइयां शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान डायरेक्टर मां नर्मदा हॉस्पिटल समाज सेवी ज्ञान सिंह बघेला ने कहा कि मां नर्मदा अस्पताल का लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है, जनता की सेवा ही लक्ष्य है। हमारा पूरा परिवार मरीजों की सेवा में लगा रहता है। हमारा प्रयास होता है कि घर से आया हुआ बीमार व्यक्ति मां नर्मदा अस्पताल से पूर्ण स्वस्थ होकर ही घर जाए। मां नर्मदा अस्पताल के द्वारा सभी स्वास्थ्य से संबंधित सरकारी योजनाओं का भी लाभ मरीजों को उपलब्ध कराया जा रहा है। मां नर्मदा अस्पताल के द्वारा शासन प्रशासन की गाइडलाइंस का पूरा पालन किया जा रहा है। कार्यक्रम में पहुंचे बंटू राजपूत मित्र मंडली के द्वारा महाराणा प्रताप जी की तस्वीर मां नर्मदा अस्पताल के डायरेक्टर श्री बघेला को भेंट की गई। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से डॉक्टर ओपी श्रीवास्तव, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पूजा नामदेव, डॉक्टर निशांत राय, डॉक्टर सर्जन प्रमोद वर्मा, मदन सिंह राजपूत, बलराज सिंह, प्रकाश परमार सहित मां नर्मदा अस्पताल का पूरा स्टाफ उपस्थित रहा। एक वर्ष पूर्ण होने पर एक फ्री कैंप का आयोजन किया गया है और आशा कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन किया गया है। जो आशा कार्यकर्ता एक लोगों का मानना है नीचे स्तर पर है, मेरा है कि आशा कार्यकर्ता ही एक ऐसा मजबूत स्तंभ है देश और प्रदेश के अंदर। जो आशा कार्यकर्ता एक छोटे से छोटे नीचे से जमीन से लाके हमारा पेशेंट या आदमी की मेहनत करते हैं कि एक पेशेंट हो या किसी प्रकार, तो एक आशा कार्यकर्ता को हमने सम्मान किया है, इसमें बुला के उनका आशीर्वाद कराए। मात्र शक्ति को नमन करते ही मां नर्मदा हॉस्पिटल माननीय श्री सुदेश जी राय और बरखेड़ी मंडल अध्यक्ष श्री राम स्वरूप जी और विष्णु वर्मा जी, नर्मदा हॉस्पिटल की ये प्लानिंग रहेगी कि जो भी रहेगा मां नर्मदा हॉस्पिटल आशा कार्यकर्ताओं के लिए तो 50% OPD फ्री रहेगी हमारे यहाँ जब भी रहेगा, और कोविड के लिए पूरी तरह से हम तैयार हैं। मां नर्मदा हॉस्पिटल सेवा ही संकल्प है हमारा एक नारा है। हमने इस हॉस्पिटल को पैसे के लिए बिजनेस के लिए नहीं खोला है, हमने इसे सेवा करने के लिए खोला है, तो हम सेवा करने के लिए हमेशा खड़े रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। मध्य प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आदर्श न्यूज़ को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। साथ ही अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें।